नमस्कार खुलमखा राज्य की स्थापना के 50 वर्ष पूरे करने पर सभी त्रिपुरा वासियों को बहुत बहुत बधाई त्रिपुरा के निर्माण और इसके विकास के लिए योगदान देने वाले सभी महापुरुषों का आदर पूर्वक अभिनंदन करता हूं उनके प्रयासों को प्रणाम करता हूं त्रिपुरा का इतिहास हमेशा से गरिमा से भरा रहा है माणिक्य वंश के सम्राटों के प्रताप से लेकर आज तक एक राज्य के रूप में त्रिपुरा ने अपनी भूमिका को सशक्त किया है जनतातीय समाज हो या दूसरे समुदाय सभी ने त्रिपुरा के विकास के लिए पूरी मेहनत के साथ एकजुटता के साथ प्रयास किए हैं मां त्रिपुरा सुंदरी के आशीर्वाद से त्रिपुरा ने हर चुनौती का हिम्मत के साथ सामना किया है त्रिपुरा आज विकास के जिस नए दौर में नई बुलंदी की तरफ बढ़ रहा है उसमें त्रिपुरा के लोगों की सूझबूझ का बहुत बड़ा योगदान है सार्थक बदलाव के तीन साल इसी सूझबूझ का प्रमाण है आज त्रिपुरा अवसरों की धरती बन रही है आज त्रिपुरा के सामान्य जन की छोटी छोटी जरूरतें पूरा करने के लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर काम कर रही है तभी तो विकास के अनेक पैमानों पर त्रिपुरा आज बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है आज बड़े कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से अभी राज्य ट्रेड कॉरिडोर का हब बन रहा है इतने दशकों तक त्रिपुरा के पास शेष भारत से जुड़ने का सिर्फ एकमात्र जरिया रोड ही था मानसून में जब लैंडस्लाइड से रोड बंद हो जाते थे त्रिपुरा सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में जरूरी सामान की कितनी कमी हो जाती थी आज रोड के साथ साथ रेल हवाई इनलैंड वाटरवे जैसे अनेक माध्यम त्रिपुरा को मिल रहे हैं राज्य बनने के अनेक सालों तक त्रिपुरा बांग्लादेश के चिटगांव पोर्ट के लिए एक्सेस की डिमांड कर रहा था डबल इंजन की सरकार ने इस डिमांड को पूरा किया जब 2020 में अखौरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर बांग्लादेश से पहला ट्रांजिट कार्गो पहुंचा रेल कनेक्टिविटी के मामले में त्रिपुरा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है कुछ दिन पहले महाराजा वीर भी विक्रम एयरपोर्ट का भी विस्तार किया गया है साथियों आज एक तरफ त्रिपुरा गरीबों को पक्के घर देने में प्रशंसनीय काम कर रहा है तो दूसरी तरफ नई टेक्नोलॉजी को भी तेजी से अपना रहा है हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग देश के जिन छह राज्यों में हो रहा है उनमें त्रिपुरा भी एक है तीन साल में जो कुछ हुआ है वो तो अभी शुरुआत भर है त्रिपुरा के असली सामर्थ्य का सामना उस सामर्थ्य को पूरी ताकत से प्रकट करना उस सामर्थ्य का सामने आना अभी तो बाकी है प्रशासन में पारदर्शिता से लेकर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक आज जिस त्रिपुरा का निर्माण हो रहा है वो आने वाले दशकों के लिए राज्य को तैयार करेगा विप्लव देव जी और उनकी टीम बहुत परिश्रम के साथ जुटी है हाल में ही त्रिपुरा सरकार ने हर गांव तक अनेकों सुविधाएं शत प्रतिशत पहुंचाने का अभियान शुरू किया है सरकार का ये प्रयास त्रिपुरा के लोगों का जीवन आसान बनाने में बहुत मदद करेगा जब भारत अपनी आजादी के सौ वर्ष पूरा करेगा तब त्रिपुरा भी अपनी स्थापना के पचहत्तर वर्ष पूरा करेगा। ये नए संकल्पों के लिए नए अवसरों के लिए बहुत ही उत्तम समय है हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए आगे चलना है हम सभी मिलकर विकास की गति को बनाए रखें इसी विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद